हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवीण दिफारी। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये द क्वींस गैम्बिट, जो नेटफ्लिक्स पर एक चेस की डेडिकेटेड यू कैन से दैट एक पूरी सीरीज आई है, उसकी एक गेम के ऊपर। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने ये सीरीज देखी है उन लोगों को सभी को पता होगा कि यहाँ एलिजाबेथ हरमन का मुकाबला वर्ल्ड चैंपियन रशियन, इनफैक्ट वो रशियन थे, वर्ल्ड चैंपियन वेसिली बोरोगोव से था। उसमें जो फाइनल गेम दिखाई गई थी फ्रेंड्स, काफी दिनों से मैं सोच रहा था उस गेम पर के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि आखिर वो गेम लीक किस गेम से गई है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन थोड़ी R&D, थोड़ा गूगलिंग, थोड़ा ट्विटर, थोड़ा chess.com, इन सभी की हेल्प से मुझे आखिरकार पता लगा कि ये गेम है वैसली इवानचुक की। और जितनी डेंजरस ये गेम दी गई थी, तो वैसली इवानचुक की इस अंदाज की गेम थी। 1993 में बेल इंटरजूनल, तो स्विट्जरलैंड में होता है, वहां पर ये गेम खेली गई थी। वैसिली इवानचुक के साथ थे पैट्रिक वुल्फ। वैसे एक्चुअल में ये गेम ड्रॉ खेली गई थी, और मैं यहाँ पूरा बताऊंगी कि कब तक वैसिली इवानचुक और पैट्रिक वुल्फ की गेम चली और कब उसके बाद से इस गेम को थोड़ा ट्विस्ट दिया गया ड्रामेटाइज करने के लिए। यहाँ इस गेम व्हाइट पीसीज के साथ, यहाँ इन दैट सीरीज यहाँ एलिजाबेथ हरमन थी, और ब्लैक पीसीज के साथ वर्ल्ड चैंपियन रशियन, जो कि रशियन थे स्पेशली, वैसली बुरगो। तो फ्रेंड्स, अब मैं मेरे ख्याल से बहुत लंबी गेम है, ज्यादा अगर समय लूंगा तो काफी समय इंट्रोडक्शन में चला जाएगा। तो गेम की शुरुआत यहाँ एलिजाबेथ हरमन और वैसिली वांचू, यू कैन से दैट, दोनों ने की थी D4 के साथ। D5 यहाँ बुरगोव या पैट्रिक वॉल्फ ने। क्वींस गैम्बिट, क्योंकि आपने इस सीरीज का नाम ही द क्वींस गैम्बिट है, तो ऑब्वियस है फाइनल गेम क्वींस गैम्बिट ही होनी थी। C4, Dxc4, जिसे एक्सेप्ट किया। नॉर्मली क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड की वीडियोस भी हम कमी देखने को मिलती है। E4 हुआ, देन नाइट C6 स्क्वायर पर बिशप E3, डिफेंडिंग दिस D4 पॉन। तो नाइट F6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, अटैकिंग E4 पॉन, देन नाइट C3 यहाँ व्हाइट ने किया। E5, देन D5 पॉन पुश, नाइट पर अटैक, नाइट गया E7 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स D4, और ये पॉन जो डिलेड एक्सचेंज है वो यहाँ कंप्लीट हुआ व्हाइट ने किया। नाइट G6, देन F3, बिशप D6, देन क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, बिशप D7, नाइट एट जी गोज टू E2, देन A6, बिशप B3, ताकि पॉन कुछ तो आना ही है, ठीक है। B5 यहाँ ब्लैक ने किया, A4, और यहाँ पॉन एक्सचेंज की कोशिश है, लेकिन उससे पहले दोनों साइड्स ने यहाँ कैसल किया। क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, देन रुक गोज टू C1, नाइट H5, और एक बहुत स्मार्ट आउटपोस्ट ब्लैक के लिए तैयार होने वाली है थोड़ी देर के बाद, क्योंकि यहाँ मैं कह सकता हूँ F4 स्क्वायर पर ब्लैक क्लियरली विनर है, एक दो तीन कह सकते हो, इनफैक्ट जो चार चलिए पटा देते हैं तीन, और यहाँ एक दो तीन, तो ब्लैक के पास ये स्क्वायर रहने वाला है G3, इसीलिए यहाँ व्हाइट ने किया। H6, देन बिशप गया C2 स्क्वायर पर, जीरो कैटे गोज टू B8, देन Ax B5, Ax B5, देन रुक A1 स्क्वायर पर, और यहाँ A5 जो खाली हो चुकी थी व्हाइट यानी कि एलिजाबेथ हरमन, यहाँ किया Rook8, लेकिन ब्रुगोव ने यहाँ उसे अलाउ नहीं किया। बिशप D3 अटैकिंग दिस B5 पॉन, तो बिशप B4 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, उन्होंने यहाँ इस नाइट पर नाइट को पिन किया। एग्जैक्टली Rook8, Rook8, देन क्वीन C2, और क्या अब यहाँ ये पॉन लिया जा सकता है, देखते हैं। बिशप C5 यहाँ ब्रुगोव ने किया, उन्होंने यहाँ बिशप पर अटैक या फोर्सफुली कह सकते हैं कि बिशप एक्सचेंज करने की कोशिश किया। क्वीन इस बिशप के डिफेंस से ऑलरेडी हट चुकी है, तो नाइट D1, इस बिशप का डिफेंस अपने नाइट से यहाँ पहले व्हाइट ने, तो बिशप गया D6, नाइट F2, देन नाइट अटैच गोज टू F4। और फ्रेंड्स, बुरगोव का इस गेम में बहुत ही कमाल का मूव है, इनफैक्ट रियलिटी में पैट्रिक वॉल्फ का एक कमाल का, उन्होंने यहाँ अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया, पॉन के ऊपर इस नाइट को रखा, और अब ये नाइट एक्सचेंज किस तरह से किया जाए, एटलीस्ट पॉन से अगर सेक्रीफाइस होता है तो इंट्यूटिवली मैं कहूंगा कि थोड़ा सा मुश्किल है। आप यहाँ देखिए, बिशप दोनों बिल्कुल सही स्क्वायर्स पर हैं, सही डायगोनल्स पर एग्जैक्ट, और अगर Gxनाइट होगा देन क्वीन G5 चेक होगा डायरेक्टली, और उसके बाद काफी पॉसिबिलिटीज होती है। चलिए दो तीन ऑप्शंस को यहाँ मैं क्लियर करना चाहूंगा। Gxf4 अगर मान लेते हैं कि भाई यहाँ करेगा, तो Gxf4 बिशप पर प्रेशर बनेगा, बिशप को हटाना होगा B1 या D2, जिस भी स्क्वायर पर जाएगा। यहाँ ब्लैक पहले नाइट को H4 स्क्वायर पर ले जाकर अगले मूव में यहाँ चेकमेट की थ्रेट देने की कोशिश करेगा, तो व्हाइट को पहले अपने किंग को H1 स्क्वायर पर मूव करना ही होगा, देन Nxf3, और यहाँ ये F3 पॉन मिल चुका होगा ब्लैक को, और
बाकी फर्दर इनविटेशन काफी स्ट्रांग होने वाला है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि ब्लैक यहाँ अपने रुक को A1 स्क्वायर पर ले जाकर और जबरदस्त अटैक बना सकता है। नाइट टेक्स F4 अगर मान लेते हैं व्हाइट कर भी लेगा देन रुक को A1 स्क्वायर पर जाए, और क्वीन का ये अगला मूव तो आना ही है। बिशप बिल्कुल एग्जैक्ट स्क्वायर पर है, तो जो यहाँ नाइट सेक्रीफाइस यू कैन से दैट किया था वो यहाँ वापस मिल चुका होगा थोड़ी देर के बाद व्हाइट को। दूसरी ऑप्शन को कंसीडर करते हैं, इनफैक्ट दूसरी में नाइट एक्स एफ फोर कर लिया जाए, ई टेक्स एफ फोर होगा, बिशप जी टेक्स एफ फोर हो गया, जी फाइल तो ओपन होनी है, नाइट एक्स एफ फोर होगा, देन बिशप टेक्स एफ फोर, बिशप टेक्स एफ फोर, देन किंग एच वन स्क्वायर पर लेकर जाना ही होगा, अदरवाइज वही टेक्स के बाद थोड़ी प्रॉब्लम आएंगी। क्वीन एच फोर स्क्वायर पर जाएगा, देन नाइट डी वन यहाँ पहले वाइट करेगा और रूक के लिए अगली इन्विटेशन दोबारा यहाँ चुकी होगी। यार फ्रेंड्स चलिए गेम पर चलते हैं, गेम में यहाँ हुआ था रुक सो के क्वीन गई जी फाइव स्क्वायर पर, प्लानिंग वही फिलहाल ये जी थ्री पॉन एग्जैक्टली पिन है। इनफैक्ट यू कह सकते हैं कि चेक देकर यहाँ इस डार्क स्क्वायर बिशप को भी एलिमिनेट किया जा सकता है। किंग एच वन यहाँ पहले व्हाइट ने किया, क्वीन गई एच फाइव स्क्वायर पर, और क्वीन के एच फाइव स्क्वायर पर जाने से यहाँ ये एफ थ्री चेक बहुत डेंजरस, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि चेकमेट की थ्रेट है। नाइट जी वन यहाँ पहले व्हाइट ने किया अपने इस एफ थ्री पॉन पर डिफेंस किया, नाइट टेक्स डी थ्री देन एफ फाइव, और यहाँ किसी तरह का कोई ब्रेक थ्रू बनाने की कोशिश है ये एफ पॉन आगे पुश करके। नाइट सी फाइव यहाँ व्हाइट ने किया आस्किंग फॉर सब मेटेरियल एक्सचेंज, ये जो बिशप पेयर है ब्लैक का बहुत डेंजरस है, वर्ल्ड चैंपियन दिखाए हैं तो मूव्स बहुत स्ट्रांग है। बिशप गया सी एट स्क्वायर पर, देन रुक एफ वन, नाइट ई सेवन, देन क्वीन गई डी थ्री स्क्वायर पर, एफ टेक्स ई फोर, देन एफ टेक्स ई, क्वीन जी सिक्स, किंग जी टू, देन किंग एच सेवन स्क्वायर पर, चलिए नाइट एफ थ्री, देन नाइट जी एट स्क्वायर पर, नाइट एच फोर क्वीन पर अटैक तो क्वीन गई जी फोर स्क्वायर, देन नाइट एफ फाइव। और फ्रेंड्स यहाँ अगर मैं कहूँ गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि व्हाइट के पीसेस की तरफ से वैसेली इवांचुक खेल रहा है और जिस तरह की गेम है आई थिंक वैसेली इवांचुक ही इतना जबरदस्त अटैक को हैंडल भी कर सकते हैं और वह से काउंटर अटैक भी कर सकते हैं। आप यहां देखिए बिशप बहुत स्ट्रांग था अभी थोड़ी देर पहले तक, इनफैक्ट एक चेक देने के बाद क्वीन बहुत अच्छे स्क्वायर पर आ भी रही थी, माइट भी कुछ भी हो सकता है नाइट की रिशफलिंग, और खैर वो बहुत लंबी स्टोरी होगी यहाँ से। लेकिन व्हाइट ने अपने नाइट को जैसे ही यहाँ एफ फाइव स्क्वायर पर रखा, बिशप लगभग गेम से थोड़ी देर के लिए बाहर हो चुका है, और ऑब्वियस है कि ब्लैक कम से कम इस पॉइंट पर, ये सही समय नहीं होगा ब्लैक के लिए यहाँ बिशप के बदले में इस नाइट को लेगा। ऑलरेडी ये नाइट फिर उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग आउटपोस्ट ई सिक्स स्क्वायर के रूप में व्हाइट के नाइट के पास आ चुकी होगी अगर यहाँ लाइट स्क्वायर बिशप ब्लैक एक्सचेंज करता है तो, और क्या ऑप्शन कंसिडर की जा सकती। रुक ए टू ओके है, लेकिन व्हाइट यहाँ पहले अपने रुक को एफ टू स्क्वायर पर ले आएगा। चलिए गेम पर चलते हैं, नाइट गेम में होता नाइट एफ सिक्स, नाइट की एंट्री तो होनी ही है। देन फ्रेंड्स यहाँ पहले बेथ हर्मन ने यहाँ किया था एच थ्री, क्वीन पर अटैक बनाया था, और ड्रामेटाइज मैं उतना ड्रामेटाइज नहीं कर सकता इस गेम को जितना ड्रामेटाइज यहाँ इस सीरीज के अंदर किया गया। एग्जैक्टली यहाँ काफी पशुपेश के बाद वैसली बुर्गोव ने डिसाइड किया कि वो इस गेम को एडजर्न करेंगे। एडजर्न करने का मतलब कि आज हम काफी खेल चुके हैं, अब हम खेलेंगे कल, अभी इसी गेम को यहीं छोड़ देते हैं, एग्जैक्टली इसी पोजीशन से हम आगे चलेंगे, और एक आर्बिटर के पास एक अगला मूव जो उन्हें चलना है उसको लिख कर रख देंगे और उसके बाद वो उस मूव से वहां शुरू करेंगे। तो उन्होंने इस पॉइंट पर किया था क्वीन जी सिक्स, जहां अगले दिन से ये गेम शुरू हुई थी। फ्रेंड्स यहाँ तक की तो ये वो गेम है जो वैसली इवांचुक और पैट्रिक वुल्फ के बीच में खेली गई थी, और इसके बाद जो भी गेम खेली गई थी वो इस नेटफ्लिक्स सीरीज की ही है, और चूंकि गेम इतनी अच्छी है से कैसिंजन्स ने बहुत हेल्प की होगी, और अगर मैं गलत नहीं हूँ थोड़ा बहुत जो मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि इस गेम को डिजाइन करने में गरी कास्परोव का भी काफी बड़ा रोल है, मस्ट से कि बहुत अच्छी ये गेम बनाई गई थी। वैसे एक्चुअल जो गेम थी वैसे इवांचुक और पैट्रिक वुल्फ की वो यहाँ से ड्रॉ हुई थी, और काफी लंबी सीक्वेंस है तो आज हम उसे कवर नहीं करेंगे, किसी और दिन मौका मिलेगा तो जरूर कवर की जाएगी। ऑलरेडी 36 मूव यहाँ हो चुके हैं। यहाँ इस पॉइंट के बाद एलिजाबेथ हर्मन ने नाइट को ई सिक्स स्क्वायर, और ये काफी स्ट्रॉन्ग मूव है। नाइट के ई सिक्स स्क्वायर पर आने के बाद सबसे पहले तो यहाँ जी सेवन पॉन पर अटैक,
फिर वही थियरी आती है कि बिशप टेक्स नाइट बड़ी प्रॉब्लम वाला मूव हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप यहाँ मेरे देखे वो मूव समझ पा रहे हैं जो कि गेम में भी खेले गए थे, क्वीन और किंग के स्क्वायर देखिए, नाइट बिल्कुल सही स्क्वायर पर जाने के लिए तैयार है, ये फॉक लगाने, इस फॉक को लगाने से रोक कौन रहा है, ये बिशप रोक रिमूविंग दैट थिंग, और उसके बाद यहाँ क्वीन ली जा सकती है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक हो सकता है। यहाँ बोगोव ने किया था रुक ए फोर, काफी अच्छा मूव है अगर रुक ए फोर की हम बात करें तो, क्योंकि यहाँ ये ई फोर पॉन पर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक बनता है। तो यहाँ इस पॉइंट पर बेथ ने किया था बी थ्री, उन्होंने यहाँ रुक पर अटैक, तो अगर इस पॉइंट पर मेटेरियल एक्शन को किस तरह से किया जाए ये काफी क्रूशियल है। चेस इंजन के काफी मूव्स देखने के बाद मैं इस पोजीशन को क्रैक कर पाया, अदरवाइज मेरे लिए बहुत मुश्किल। यहाँ ई फोर पॉन को अभी भी लिया जा सकता है, दो पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट इज नाइट टेक्स ई फोर, नाइट टेक्स ई फोर की पॉसिबिलिटी मुझे ज्यादा डेंजरस लगती है। यहाँ ब्लैक अपने इस रूक सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट कर सकता है, गेम का नेचर इक्वल रहेगा, गेम प्लस या माइनस यहाँ व्हाइट या ब्लैक के फेवर में नहीं रहने वाली है। बी टेक्स ए फोर अगर हो भी गया तो नाइट टेक्स जीत यहाँ पहले ब्लैक कर सकता है, और ऑब्वियस है इस नाइट को नाइट से नहीं लिया जा सकता, अदरवाइज यहाँ ये क्वीन व्हाइट को गंवानी, तो क्या कोई गलती हुई है? नहीं। यहाँ चलिए मैं थोड़ा गेम को आगे बढ़ाता हूँ, नाइट ई सेवन जैसा कोई मूव पहले यहाँ व्हाइट कर सकता है, क्वीन सेक्रीफाइस को एग्जैक्टली इस पॉइंट पर कर सकता है, अवॉइड कर सकता है, जस्ट सिंपली बिकॉज अगर मान लेते हैं कि यहाँ ब्लैक क्वीन टेक्स डी थ्री करेगा तो उसके बाद होगा नाइट एफ थ्री चेक, किंग एच एट स्क्वायर पर जाएगा, नाइट एट एफ गोज टू जी सिक्स, किंग एच सेवन स्क्वायर पर, और भी कुछ दिन पहले परपेचुअल चेक्स की बात कर रहा था, तो लगभग परपेचुअल चेक्स के बाद ये गेम यहाँ से ड्रॉ हो सकती है। और अगर मान लेते हैं कि ब्लैक यहाँ डिसाइड करता है कि उसे यहाँ क्वीन सॉरी बिशप टेक्स ही सेवन करना है, तो इसके बाद यहाँ से गेम किस तरह से आगे बढ़ेगी, वाइट यहाँ पहले कनेक्शन करेगा, वो यहाँ करेगा क्वीन टेक्स जी सिक्स चेक, किंग टेक्स जी सिक्स होने के बाद किंग टेक्स जी थ्री होगा, और अब यहाँ मेटेरियल काउंट करते हैं, ठीक है, पांच पॉन ब्लैक के पास है, तीन पॉन व्हाइट के पास है, और चलिए ये पॉन भी मान लेते हैं कि मिल जाएगा, पांच पॉन होंगे ब्लैक के पास, लेकिन रुक बिशप और नाइट के सामने मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा इतनी स्ट्रॉन्ग अटैक को रोकना ब्लैक के लिए। और चलिए गेम पर चलते हैं, यहाँ इस पॉइंट से हुआ था एग्जैक्टली बिशप टेक्स, सॉरी 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 यहाँ इस पॉइंट से एग्जैक्टली हुआ था रुक टेक्स नाइट टेक्स डी सिक्स, यहाँ व्हाइट ने किया, व्हाइट ने अपने गेम प्लान को इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने यहाँ ये फॉग लगाने की बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है ये पॉन गया e4 दैट्स ओके, सेंटर का पॉन है काफी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अभी इमीडिएट थ्रेट में करने नहीं कहूंगा कि व्हाइट के पास ब्लैक की तरफ से कोई आने वाली है। बिशप टेक्स e6 आप कह सकते हैं बोरगोव के लिए फोर्स, और ऐसा करने के बाद यहाँ एलिजाबेथ हर्मन को बी टेक्स e6 करने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग यू कैन से दैट कि यहाँ पर एक पासर मिल चुका है, तो सी टेक्स डी सिक्स ऑब्वियस है, अदरवाइज यहाँ ये रुक पर भी अटैक बन रहा है वाइट, तो सी टेक्स डी सिक्स हुआ, देन हुआ ई सेवन, और ई सेवन फ्रेंड्स काफी कमाल का मूव यहाँ बोरगोव के लिए, मीन्स ब्लैक के लिए काफी मैं कहूंगा कि बड़े बड़ा क्रिशियल मूव है यहाँ पर। यहाँ ये रुक क्योंकि व्हाइट का पॉन e7 स्क्वायर पर पहुंच चुका है, तो e7 स्क्वायर पर सॉरी e8 स्क्वायर पर अभी फिलहाल कह सकते हैं कि ब्लैक के दो डिफेंस हैं, दो स्टॉपिंग लाइंस हैं यहां ब्लैक के पास, लेकिन यहां ये रुक नाइट को एलिमिनेट कर सकता है और क्वीन रुक को एलिमिनेट कर सकती है, और उसके बाद यहाँ पॉन प्रमोट हो सकता है, तो व्हाइट के पास पोटेंशियल चांसेस पॉन को प्रमोट करने का, मेटल इनफ है यहाँ पर, गेम की पोजीशन इनफ है यहाँ पर b4, मान लेते अगर कि ब्लैक यहाँ से करता भी तो रुक टेक्स f6 यहाँ पहले व्हाइट करे, जी टेक्स f6 होने के बाद e8 equals queen, queen प्रमोट हो चुकी होगी सिंपली बिकॉज queen टेक्स e8 होने के बाद queen टेक्स e4 एक चेक भी आएगी, अब यहाँ एक बिशप एक्स्ट्रा होगा और 5 pawn versus 3 pawn, एंड नो डाउट यहाँ मस्त से कि व्हाइट बहुत बहुत ज्यादा लीड, यहाँ एग्जैक्टली गेम में होता डी, और ये बड़ा पशुपेश भरा मूव हरमन के लिए था, और जिसने भी ये सीरीज देखी होगी एग्जैक्टली वही मूव है जहां पर हरमन नजरे ऊपर उठाती हैं और छत को देखते हैं, जैसा कि उन्होंने पूरी सीरीज में किया है कि रात को सोते हुए छत पर वो बोर्ड को इमेजिन करती है और वो मूव करते हैं, और जिन्होंने भी वो एनिमेशन किया वो बहुत ही, जिस तरह से बोर्ड एक मूव चलता है और उसके बाद डिजोल्व, फिर नए मूव चलते हैं फिर डिजोल्व, वो बहुत कम। वेल यहाँ इस पॉइंट पर काफी
एलिजाबेथ हरमन ने काफी कैलकुलेशन, काफी काफी मैथ्स करके उन्होंने यहाँ एक मूव निकाला, और काफी कॉन्फिडेंटली जिस तरह से वो इस गेम में मूवी में दिखाई गई है, जो उनका कॉन्फिडेंस दिखाई, उन्होंने यहाँ किया बिशप सी, अपने उस कॉन्फिडेंस के साथ वापस आ गए। और इस पॉन को रोकने के लिए अब ब्लैक को काफी ध्यान से खेलना होगा, नाइट कभी भी एलिमिनेट हो सकता है। तो क्वीन कम से कम आप कह सकते हैं कि यहाँ इस e8 स्क्वायर के डिफेंस के लिए रहनी चाहिए। ऑब्वियस है रुक भी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं नहीं कहूंगा, खैर क्वीन e8 यहाँ ब्लैक को करना ही पड़ेगा। देन कहीं क्वीन गई f3 स्क्वायर पर, और फिर दोबारा कुछ गेम प्लान्स हो सकते हैं, देखते हैं क्या हुआ। यहाँ क्वीन c6 ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, ये यहाँ और ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। और यहाँ हमन ने किया था b6, अपने पॉन पर, अपने बिशप पर डिफेंस किया, देन क्वीन e3। फ्रेंड्स यहाँ इस मूव के बाद एग्जैक्टली वर्ल्ड चैंपियन बोगोव ने यहाँ हरमन को ड्रॉ ऑफर किया था, जिसे उन्होंने रिजेक्ट किया। जो मैं चेस इंजन एनालिसिस कर रहा था, तो रेस्ट ऑफ द मूव आखिर ये क्वीन के e3 स्क्वायर पर जाने से ब्लैक को इतना बड़ा क्या नुकसान होगा। यहाँ इस पॉइंट पर इनफैक्ट चेस इंजन रिकमेंडेशन है कि वो यहाँ अपनी क्वीन को सॉरी किंग को मूव करे g8 या h8 स्क्वायर, और g8 वो ज्यादा बेटर होता एज पर चेस इंजन। लेकिन क्वीन के e8 स्क्वायर पर जाने के बाद वीकनेसेस क्या क्रिएट हुई, ये ज्यादा बेटर। क्वीन f5 चेक यहाँ व्हाइट को कर लेता, तो किंग h8 स्क्वायर पर गया। और फ्रेंड्स यहाँ मैं ये नहीं कहूंगा कि पॉज करें वीडियो को, ये एग्जैक्टली सीरीज में जो हुआ था वही मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ क्वीन टेक्स f6 यहाँ पहले हमन ने किया था, और ये शॉकिंग न्यूज अपनी क्वीन नाइट के बदले में f6 स्क्वायर पर, बहुत रेयर मूव मैं कह सकता हूँ इसे। जी टेक्स f6 होने के बाद रुक टेक्स f6, और यहाँ अब अगले मूव में व्हाइट एक चेक देने के साथ इस क्वीन पर अटैक बना रहा, और बहुत स्ट्रांग अटैक है। तो यहाँ बोगोव ने अपनी क्वीन को h5 स्क्वायर पर रखा, लेकिन हरमन के साथ एडवांटेज था एक चेक का, रुक f8 चेक, देन किंग g7 स्क्वायर पर वो हुआ ही हुआ, और इसके बाद व्हाइट ने यहाँ अपनी क्वीन प्रमोट कर लिया। अब बात करते हैं एंड गेम शुरू, मतलब जो भी होगा एंड गेम शुरू होने वाली, भी 4 पॉन वर्सेस 3 पॉन एक बिशप के लीड के साथ यहाँ पर अब इस गेम में व्हाइट आ चुका है। ब्लैक अब ज्यादा ज्यादा करेगा, करेगा क्या, लेकिन रुक टेक्स सॉरी रुक e2 चेक, रुक e2 के चेक के बाद वैसे तो से रुक बीच में आ सकता था, रुक के बीच में आने के बाद फ्रेंड्स काफी स्ट्रॉन्ग मैं इसे कहूंगा, क्या क्या व्हाइट के पास कोई रिपीटेड चेक्स के साथ ड्रॉ देने की ऑप्शंस होती या नहीं होती, आई डोंट नो। यहाँ खैर किंग f1 स्क्वायर पर हरमन ने दिया, देन क्वीन टेक्स h3 चेक, उन्होंने यहाँ इस रुक को बोरगोव ने यहाँ इस रुक को सेक्रीफाइस कर दिया, सिंपली इसी उम्मीद में कि रिपीटेड चेक्स का कोई सीक्वेंस जरूर यहाँ बनेगा, लेकिन बहुत मुश्किल है। बहुत हद तक चांसेस है कि बिशप कहीं ना कहीं बीच में लगे, और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ हाँ इस पॉइंट पर चेक देने के, ये वो सीक्वेंस है फ्रेंड्स जो मूवी से थोड़ा इरेज हो चुका था। यहाँ किंग टेक्स e2 हुआ, देन क्वीन g2 चेक, यहाँ इस पॉइंट से मूवी में चेस के सीक्वेंस को इंट्रोड्यूस दोबारा किया गया था। तो रुक गया e2 स्क्वायर पर, देन क्वीन e4 चेक, और फाइनल मूव था एलिजाबेथ हरमन का, वो था क्वीन के d2 स्क्वायर पर ले जाने के बाद। और यहाँ इस मूव के बाद बोरगोव ने खड़े होते एक सम्मान के साथ एलिजाबेथ हरमन को बधाई दी, और उन्होंने कहा कि आप कीजिए। तो फ्रेंड्स मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैंने इस गेम को ढूंढने में बहुत ज्यादा मेहनत की। जो chess.com पर जो लोग अपनी व्यूज शेयर करते हैं, वहां से मुझे पता लगा कि ये लोग ये गेम किस गेम से ली गई थी, अदरवाइज मेरे लिए इस गेम को बनाना बहुत मुश्किल। और अभी भी इस गेम के अंदर और भी बहुत सी गेम खेली गई, तो वो भी जरूर किसी न किसी ग्रैंड मास्टर्स की गेम से ली गई होंगी, और जब भी मुझे मिलेगी वो भी उस गेम के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो मैं जरूर यहाँ अपने इस चैनल पर उनकी वीडियो जरूर लेकर। फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया होगा, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब टू माय चैनल जरूर करें, और आपके कमेंट्स मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर।